नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं शिव कुमार मित्रा, आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। सिनॉप्टिक सिचुएशन वाली इस अगर हम इंसेट 3DR के एनिमेशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये देखिए पश्चिमी विक्षोभ एक तरह से बादलों का जो जमावाड़ा है पश्चिमी विक्षोभ के रूप में, वो पूर्व दिशा जो उत्तर भारत को प्रभावित करने के लिए ये यहाँ पे दिख रहा है। और उत्तर भारत में बादलों का जो जमावाड़ा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके आसपास, आप देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ एनिमेशन के लूप में रूप में ये आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें, ये देखिए इस जगह पर उसकी एक वास्तविक स्थिति है जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कह रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह रहे हैं, और साथ ही साथ उसके इंड्यूस एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के पास आपको दिख रहा है। अगर हम दूसरे सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में अगर हम बताएं तो आप देखेंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक तमिलनाडु के पास आपको यहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही साथ निचले जो शोभ मंडल है जिसको हम कहते हैं लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल, निचले शोभ मंडल में केरल से, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए केरल से उत्तरी महाराष्ट्र तक पूर्वी हवाओं का संगम हो रहा है। पूर्वी हवाओं का संगम होने से अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रफ देखने को नहीं मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे। और साथ में आप देखेंगे छोटे छोटे बादलों का जमावाड़ा भी यहाँ बनते दिख रहे हैं। प्री मानसून सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब अगर हम बताएं ये ट्रफ के कारण, अगर हम बताएं जो प्रमुख जानकारी अब ये रहेगी कि 9 से 10 मार्च को महाराष्ट्र, ये वाले भाग, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज के साथ छिटपुट और मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बताएं, पिछले 24 घंटों में वर्षा और थंडरस्टॉर्म जो राजस्थान में, उत्तराखंड में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोस्टल और आंतरिक कर्नाटका में और केरला माहे और तमिलनाडु में दर्ज की गई। हालांकि हम इसके बारे में एक तरह से पूर्वानुमान किया हुआ था, एक सटीक पूर्वानुमान यहाँ पे किया हुआ था। अगर हम वर्षा की अगर हम बताएं जो दर्ज की गई है संख्यात्मक रूप में, तमिलनाडु के कलयापट्टिनम में 7 सेंटीमीटर जिसको हम भारी वर्षा कह रहे हैं वो दर्ज हुई है। त्रिचेंदूर में 2 सेंटीमीटर। अगर पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे हम, प्रतापगढ़ में 6 सेंटीमीटर, राजसमंद में 5 सेंटीमीटर, चित्तौड़गढ़ में और गंगरार में 4 सेंटीमीटर दर्ज की है। अगर राजस्थान के बारी सादरी में 3 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें केरला की, केरला माहे में कोचीन में 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। थंडरस्टॉर्म की अगर हम बात करें विस्तृत रूप में जानकारी के रूप में हम आपको बताएं, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, केरला में थंडरस्टॉर्म दर्ज की गई है। और ओलावृष्टि की बात करें दक्षिण पूर्व राजस्थान में और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र में ओलावृष्टि की पुष्टि हुई है। ये हमने जानकारी आपको कल अपने पूर्वानुमान में दी थी। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा आइसोलेटेड जगहों पर भी दर्ज की गई है तमिलनाडु में। आइए बात करते हैं मौसम की जो प्रणाली और उसकी चेतावनी। जैसा कि हमने बताया निचले शोभ मंडल में एक हवाओं के, पूर्वी हवाओं के संगम से ट्रफ बना हुआ है जो एक तरह से केरला से आपके उत्तरी महाराष्ट्र, एक तरह से कह सकते हैं साउथ इंटीरियर कर्नाटका से होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसा कि हम अगर उससे क्या प्रभावित होने जा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया थंडरस्टॉर्म और हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। और ये जो 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 स्थान होगा वो केरला माहे में आने वाले 5 दिनों के लिए होगा, कोस्टल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आने वाले 2 दिनों तक होगा। अगर इसके फलस्वरूप अगर जो 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 घटनाक्रम है, जैसा कि हमने बताया एक ट्रफ बना हुआ है, वो अगर मुख्य रूप से हल्की वर्षा, मध्यम वर्षा महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज और कल भी देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और तेज हवाएं और ओलावृष्टि की भी संभावना है देखने को मिल सकती है। और हवाएं जो रहेंगी वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और गस्टिंग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग जो मराठवाड़ा के भाग है आने वाले 24 घंटों में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम जैसे कि हमने बताया पश्चिमी विक्षोभ का आगमन हो रहा है जो मुख्य रूप से 22 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री ईस्ट के पास स्थित है, ये उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में आने वाले 24 घंटों में और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 10 मार्च को आपको हल्की वर्षा, मध्यम वर्षा और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ये 5 दिनों के पूर्वानुमान, अगर हम इसकी ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट में आके देख सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।